जय हिंद जय भारत। देखिए आप लोगों को जो है यह जानकारी है कि चुंबक लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक जो है लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है, आप लोग ये जानते हैं। परंतु आप लोग ये जानते हैं कि लोहा के अलावा भी ऐसा धातु है जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। यही सब डाउट जो है आज हम आप लोगों को क्लियर करेंगे कि लोहा के अलावा भी ऐसा धातु है जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या करता है। देखिए सबसे पहले देखना है कि लोहा, लोहा को जो है चुंबक अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है। तो लोहा में जो है चुंबकीय गुण पाया जाता है, ये जो लोहा है उस लोहा में जो है चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसलिए जो है चुंबक जो है इस लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप लोग बचपन में भी खेलते होंगे या किसी लोहा की कील के पास हम ले जाते हैं तो क्या करते हैं, चुंबक में सभी कील आ जाते हैं। या बचपन में क्या करते हैं बच्चे लोग, चुंबक में रस्सी बांध देते हैं और मिट्टी में जो है इसको इधर से इधर करते हैं तो क्या होते हैं, तो जो भी कण रहता है लोहा का वह लोहा में चिपक जाते हैं। तो आप लोग ये देखे होंगे कि चुंबक जो है लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है। परंतु आपको आज ये समझना है कि लोहा के अलावा भी ऐसा धातु है जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये धातु है कोबाल्ट और निकेल, यानी लोहा के अलावा जो धातु है कोबाल्ट और निकेल वह जो है चुंबक को जो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी लोहा के अलावा जो धातु है जिससे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है वह धातु है कोबाल्ट और निकेल। क्योंकि कोबाल्ट और निकेल में भी चुंबकीय गुण पाया जाता है, कोबाल्ट और निकेल में भी चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसीलिए जो है कोबाल्ट और निकेल को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस तरह से पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करके रखा हुआ है, जिस तरह पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करके रखा हुआ है, यानी किसी को जो है अलग नहीं होने देता है, वैसे ही चुंबक जो है लोहा से बनी वस्तु को या कोबाल्ट या निकेल से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब हम कोबाल्ट या निकेल के पास या लोहा के पास हम चुंबक ले जाएंगे तो चुंबक क्या करता है, तो उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है।